स्वागत है दोस्तों आपका फिर से हमारे चैनल द बंजारा बॉय में। फैमिली ट्रिप का मौका कभी कभी मतलब ही मिलता है। आप लोग देखे होंगे पूरा ब्लॉग में कम से कम एक या दो ही ब्लॉग होगा जिसमें फैमिली को मैं दिखाया हूँ। तो आज है हमारे रिलेटिव का किसी बच्चे का मुंडन, तो उसके लिए हम जा रहे हैं रजरप्पा, जो बहुत प्राचीन मंदिर है और मैं बहुत बार गया हूँ। कहा जाता है कि वहाँ से आप कोई भी मनोकामना करते हो तो वो आपका पूरा हो जाता है। तो ऐसा मेरा भी हुआ है, दो तीन मनोकामना पूरा। रैगनर के लिए भी मैं कुछ मांगा था, मिला। मम्मी ने मेरे लिए मांगा था कुछ, वो मिला है। तो बहुत बढ़िया मंदिर है, आप लोग कभी आइए। रजरप्पा मंदिर रांची से 60 किलोमीटर का डिस्टेंस पे है। एक मैं यहाँ बैग रख लेता हूँ ट्रॉली, ताकि उसको फ्लैट एक डिस्टेंस मिल जाता है, तो मज़ा आएगा। पीछे बैठे हैं मेरे मिडिल ब्रदर, मम्मी और पापा। तो देखते हैं ये सफ़र कैसा होता है, आपको बीच बीच में मैं दिखाते जाऊंगा। तो अभी हम लोग का खीरा, अरे हटना यार, मुझे देख मोबाइल उड़ा उठेगा। खीरा है तुम्हारे लिए नहीं है, अभी छोड़ मोबाइल, उनको ले लेना। डेली डेली नहाना चाहिए। अरे रुको तो भाई, इधर उधर नहीं जाएगा कहीं। एक जगह ना, दो जगह लगा लेते हैं। चलिए चल बेटा, रैगनर चल, रैगनर रैगनर। हाँ कुछ करता ही नहीं है तो आप डर रहे हैं अचानक। रैगनर इधर आ, रैगनर इधर 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 इधर, रुको अभी रैगनर इधर, रुक गाड़ी आ रहा है, चलो चलो। अरे लाइन है जी बहुत, यहीं से लाइन है, सुन रहे हैं, यहीं से लाइन है। भैया पकड़ लीजिए उसको, आपको डरा। रैगनर इधर आओ, इधर आओ, बैठो, लगी लगी सोची मत, जाके लग जाइए। बहुत लंबा लाइन है। अरे अगला दोस्तों, मुझे ये बस एक थोड़ा सा बहुत मुंह आ जाता है मुझे यहाँ पे रजरप्पा मंदिर में। मेरे को लगता है प्रतिदिन 1000 से भी ज़्यादा बलि दिया जाता है। इतना ज़्यादा बलि मैं आज तक कभी किसी मंदिर में नहीं देखा हूँ, शायद होता भी होगा और जगह। बट मैं और रैगनर ऐसा नहीं करेंगे, हम लोग सीधा यहाँ दर्शन करने आए हैं और फैमिली हमारी पूजा करने के लिए लाइन में लगी हुई है। और आज शादी का मुंडन का योग्य है, इसी वजह से 5 से 6 घंटा लग गया उनको
पूजा करने में, लाइन में खड़ा होने में प्रॉपर कोई यहाँ पे अरेंजमेंट नहीं था। इतना लंबा कैसे हो सकता है समय, नहाओ जाओ। तो 5 से 6 घंटा रैगनर ने खूब इंजॉय किया। गर्मी काफ़ी थी लेकिन सबसे खूबसूरत चीज़ यह है कि यहाँ पे मिल गया रिवर, तो यहीं पे लोग नहाते हैं फिर दर्शन करने जाते हैं। जा उधर जा, जा। फिर गंदा चीज़ है। उधर दूर है। इधर 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 रैगनर। एक बाल्टी पानी गिराता है वे, तुम एक बार में एक बाल्टी पानी निकालता है। तो ये हमारा रिलेटिव हैं और यहाँ पे सारे बच्चे आंटी वगैरह लोग आए हैं गांव से। गांव का ब्लॉग तो आप देखे होंगे कहाँ मेरा गांव है। और दोस्तों बहुत मज़ा आता है, बहुत सारे बच्चे हैं छोटे छोटे रैगनर के साथ खेल रहे हैं और रैगनर को काफ़ी मज़ा आ रहा है। हर 5-5 मिनट में वो पानी में जा रहा है क्योंकि खुला हुआ है, उसको कोई रोकने वाला है नहीं। गिनते जाना बाबू, देखना दोस्तों। मैं कहीं भी बच्चे देखता हूँ ना तो मुझे बच्चे काफ़ी पसंद है। मैं खूब खर्चा करता हूँ, गांव भी जाता हूँ कि नानी घर जाता हूँ, जहाँ बच्चे दिखे तो मैं तो उनको खुला छूट देता हूँ, जाओ शॉप में जाओ, जो खरीदना है जो खाना है खाओ। और इसमें मेरा फैमिली बहुत बार गुस्सा कर जाता है कि क्यों इतना खर्च करता है। दोस्तों मैं पार्लर बहुत कम जाता हूँ, बहुत कम, और कब जाता हूँ आज मैं आपको बता दे रहा हूँ। कभी ऐसा समय जब लगे कि मैं बोर हो रहा हूँ, मुझे पसंद नहीं है ये फैमिली का किचकिच, यहाँ रिलेटिव के यहाँ जाना वाना या फिर शादी फंक्शन में जाना, जहाँ पे मैं बोर हो रहा हूँ, मैं क्या करता हूँ, सबसे छोटा पार्लर भी दिखे तो मैं वहाँ चूज़ कर लेता हूँ भाई, मैं वहाँ चला जाता हूँ। और सबसे छोटे पार्लर का फ़ायदा ये है कि पेट फ्रेंडली होता है, यहाँ पे डॉग अलाउड होते हैं, बड़े पार्लर के जैसा नहीं कि नहीं नो पेट अलाउड ऐसा वैसा। और यहाँ पे बहुत कम खर्च में आपको इतने सारे सर्विस मिल जाते हैं कि मज़ा आ जाता है।
रेनर वहाँ 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 रेनर यहाँ 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 इधर आओ इधर उधर चलो इधर आ दोस्तों, मंदिर आपको अगर देखना हो तो आप पहले का ब्लॉग में भी मैं रजरप्पा का पूरा मंदिर के बारे डिटेल्स डाला हूँ। अभी तो फिलहाल रैगनार इंजॉय कर रहा है और अब हम लोग घर वापस जा रहे हैं। दोस्तों बहुत मज़ा आ रहा है, सब के सब थके हुए हैं, देख लो ये घोड़ा बेच के सो रहा है। करीबन 25 से 30 बार पानी में ये गया होगा। रैगनार आज बहुत खुश है और अब वो आराम कर रहा है। अब हम लोग घर वापस जा रहे हैं। गियर लेने में हमेशा मुझे कभी कभी दिक्कत कर देता है ये, इमरजेंसी में फिर मैं उसे पुश करता हूँ वरना फिर बहुत दिक्कत हो जाएगा।